बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ ये चने की दाल की पूरी की रेसिपी शेयर की थी, जिसको कि काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया और साथ में रिक्वेस्ट भी की कि आप ये जो सब्ज़ी आपने बनाई है चने की दाल और आलू की, आप इसकी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए, आज आपकी ही रिक्वेस्ट पर आपके साथ मैं इस सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सिंपल भी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है ये थोड़ी सी चने की दाल। इसको हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और लिया है हमने एक आलू, जिसको मैंने इतने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो बस सबसे पहले हम लेंगे कुकर और ये पानी में से चने की दाल निकाल कर आपने इसमें कुकर में डाल देनी है और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ये कटे हुए आलू और 2 हरी मिर्ची बारीक काट काट कर आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम ये इतने बड़े साइज़ का एक टमाटर। ये बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्ज़ी कह लें आप इसको या दाल कह लें, ये बनकर रेडी होती है और बहुत झटपट से बन जाती है। और ये मैंने लिया है यहाँ पर ये अदरक और लहसुन, इसको हमने ताज़ा क्रश करके ही डालना है। इसका जायका जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। आप पहले से पिसा हुआ जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो ऐड मत कीजिएगा, आप इसी तरह से लहसुन और अदरक को क्रश करके इतना मोटा मोटा ये इस तरह से करके डालिएगा। इसका जायका बहुत खुलकर आता है। और पानी ऐड कर देना है इसमें, इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक तेज़पत्ता। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को ऑन करके इसको 1 से 2 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। तो बस देखिए 2 सीटियां आ गई थी, उसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और इसको इसके प्रेशर में ही ठंडा होने दिया है। जब इसका कुकर का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया, जब मैंने इसको खोला है, तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, आलू भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने थोड़ा सा ना इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाना है ताकि जो आलू है ना थोड़े से मैश होकर इसमें मिक्स हो जाएं। और गैस को ऑन किया है अब हमने, तो ये देखिए आलू भी हमारे अच्छे से थोड़े मैश हो गए हैं ये, और दाल जो है वो भी थोड़ी सी मैश हो गई है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए। अब इसका हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए आपने लेना है कुकिंग ऑयल, उसमें ऐड करेंगे आप थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी बारीक कटी प्याज। अच्छा, इस रेसिपी में मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं उसकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, इससे इस दाल का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग आता है। और सूखी हुई लाल मिर्च आप ऐड करें। जब प्याज का कलर रेड हो जाए, पिंक रेड हो जाए, तो आप इसमें हींग इस्तेमाल करें। और इस तड़के में आपने दाल को ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी दाल और आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। ऊपर से आप इसको हरे धनिए से गार्निश कीजिए और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बनाने के लिए कोई सब्ज़ी भी नहीं होती है, चिकन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो समझ नहीं आता कि क्या बनाएं। लेकिन आलू और दाल एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त किचन में मौजूद होती है। तो बस झटपट से आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। आप इस सब्ज़ी को पूरी के साथ भी ट्राई करें, आप इसको पराठे के साथ और सादा चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही झटपट से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है एक से एक बढ़कर जायकेदार रेसिपीज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।